नमस्ते दोस्तों, आपको मेरे चैनल अंशुल शर्मा में आपका स्वागत है। और आज मैं सिखाऊंगा आपको कि टैली खोलते कैसे हैं और उसमें कंपनी कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम माउस के कर्सर को टैली के आइकन पर ले आते हैं और खोलने के लिए डबल क्लिक करते हैं। ये खुल रहा है हमारे सामने। और दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ नेम ऑफ कंपनी के, यहाँ कोई भी कंपनी का नेम नहीं है क्योंकि अभी हमारी कंपनी खुली नहीं है। कंपनी खोलने के लिए हम सिलेक्ट कंपनी में जाते हैं और अंदर कंपनियों के नेम आते हैं और हम अपनी कंपनी खोल देते हैं। लेकिन चूंकि हमारी कंपनी अभी कोई बनी नहीं है तो इसलिए हम क्रिएट कंपनी में जाके अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे। यहाँ कंपनी का नेम जैसे कि कंपनी है उसका नेम होता है ऐसे अंसुल ट्रेडर्स। एड्रेस डालेंगे कंपनी का, कंट्री इंडिया, स्टेट मध्य प्रदेश, पिन कोड, फ़ोन नंबर कंपनी का मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ 1 अप्रैल 2017 जो कि करंट ईयर है हमारा, हमने इसलिए वो डाल दिया। टैली वॉल्ट पासवर्ड, ये सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, बाद में सीखेंगे अपन। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको अगर यस करते हैं तो इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड डालते हैं, सेट कर देते हैं जैसे अपन मोबाइल में लॉक सेट करते हैं। फिर जैसे कंपनी खोलेंगे अपन तो उसमें अपन को यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो तभी कंपनी खुलेगी। तो इसको हम अभी नो ही रहने देते हैं। बेस करेंसी सिंबल, जो आप इसमें अमाउंट डालेंगे ना, जैसे खाता आप बनाएंगे कंपनी में, जो हिसाब किताब चलेगा उसमें जो अमाउंट आएगा उसका करेंसी सिंबल, जैसे 100 रुपये अमाउंट है आपका तो वो डॉलर में आएगा कि रुपीस में आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ रुपीस का सिग्नेचर साइन लिया। ये फॉर्मल नेम है रुपीस का, INR। अमाउंट और रुपीस का सिंबल है ना ये ऊपर, इन दोनों के बीच में आप स्पेस रखना चाहेंगे तो मैंने यस कर दिया। सो अमाउंट इन मिलियन, क्या आप अपने अमाउंट को मिलियन में दिखाना चाहते हैं? नहीं, इसलिए नहीं कर दिया है। वर्ड रिप्रेजेंटेटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, जिसको अमाउंट रहता है उसके दशमलव के बाद जो भी अमाउंट रहता है उसे अपन पैसे में व्यक्त करते हैं, तो इसलिए हमने पैसे डाल दिया। स्क्रीन को एक्सेप्ट कराएंगे, ये हमारी कंपनी बन चुकी है। यहाँ आप देख रहे होंगे नेम ऑफ कंपनी की जगह अंसुल ट्रेडर्स, जो कि हमारी कंपनी का नाम है वो आ चुका है। अब इस कंपनी जैसे अभी हमारी कंपनी खुली है तो इस कंपनी बंद करने के लिए अल्ट ऑल्ट ALT ऑल्ट और F3 को एक साथ दबाते हैं। यहाँ पॉपअप मेन्यू आ गया, आप देख पा रहे हैं ये पॉपअप मेन्यू आ गया, इसमें शट कंपनी दिखा रही है, शट कंपनी, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कौन सी कंपनी हमको सेट करना उसको चुनेंगे यहाँ से, और आप देख पा रहे होंगे हमारी कंपनी बंद हो गई है। नेम ऑफ कंपनी का है, कोई भी कंपनी का नेम नहीं है। कंपनी खोलने के लिए मैंने बताया था यहाँ सेलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे, कौन सी कंपनी खोलनी है अपन को, अंसुल ट्रेडर्स, तो अपन अंसुल ट्रेडर्स पे एंटर कर दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं अंसुल ट्रेडर्स खुल गई है, और बंद करने के लिए वही ऑल्ट F3 दबाओ और यहाँ शट कंपनी पे आके शट कर दो। तो आज हमने सीखा कंपनी बनाना, कंपनी खोलना और कंपनी को कैसे बंद करते हैं वो। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे सीखेंगे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको उसका आंसर भी दूंगा। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे।